हेलो गाइस, इसी के साथ हमारी गुड मॉर्निंग के साथ हमारा ये ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारे सुबह हमारे टेबल पे, और यहाँ पे ये चीटी भी ब्रेकफास्ट करने आ गई हमारे साथ। पहले भाई मेरे को तो खाने दे, इसके बाद तू खा लियो। तो गाइस, ये है बाहर का व्यू। अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कितना सुंदर और कितना अच्छा मौसम हो रखा है बाहर का, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हम पहुँच चुके हैं अभी काकोलम बीच, और हमने बाइक ऊपर खड़ी कर दी है, तो जस्ट अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। भाई ऊपर चढ़ते वक्त तो बुरी हालत ख़राब होने वाली है। आप देखो गाइस, ये व्यू। यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, आपको भी शायद दिखाया होगा, बट मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, बट इस बार मैं दोबारा एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये रास्ता है, यहाँ वाटरफॉल भी है ना, यहाँ पे आई थी प्रीतिकान क्या? अच्छा, तो गाइस अभी जस्ट हमने अभी एक आवाज़ सुनी, हम भागते हुए आए। एक्चुअली जहाँ मैंने स्कूटी खड़ी करी अपनी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली धाड़ने की आवाज़ आई एक शेर की। ओ हाँ, सारे कुत्ते भाग गए और प्रियंका मेरे को छोड़ के भाग गई, बोलती जो है वो लेके चल भाग। मैं आगे भाग के मेरे को छोड़ दिया। और भाई ऑब्वियसली बात है यार, शेर किससे भी फटती है भाई, हर किसी से फटती है, जानवरों की फट रही तो हम तो इंसान ही हैं। तो अब मैं भागते भागते आ रहा हूँ, मेरा मुंह देखो पसीना पसीना से हो रखा है, चलना बहुत पड़ता है। मे भी इनको बता दें वहाँ शेर है। तो गाइस अभी नहाने का मन कर रहा है मेरे को, तो बहुत पसीना पसीना हो रखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मौसम अच्छा है गाइस। ये देखो हाँ गाइस, ये है वाटरफॉल, यहाँ का नीचे भी है। भैया भैया जा ऊपर ना, एक भागने की आवाज़ आई थी, तो थोड़ा सा वो रखना, देख के हम थोड़ा सा भागते हुए आए हैं। पे सारे मतलब तो भाग गए शेर के भागने, हम तो भागते हुए आए हैं अभी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे प्रियंका, पहले ये ट्री हाउस ही था ना, अभी ट्री हाउस बना दिया इन्होंने, ये देखियो। तो गाइज ये है, पहले जब आए थे हम ना तो ये ट्री हाउस नहीं था यहाँ पे, तो अभी इन्होंने ये ट्री हाउस ही बना दिया। रास्ता तो अच्छा है बट थोड़ा जंगली इलाका है। आजा मम्मा आजा, तो गाइज हमने उनकी फाड़ दी है, वो बंदे वहीं खड़े हुए हैं, देख रहे हो आप प्रियंका के, वो पीछे वो देखो वो खड़े हैं वहाँ पे, उनकी फटी पड़ी है, ऊपर नहीं आ रहे वो भी। ऐसी ही हवा फैलती है गाइस, अच्छी भी आवाज़ आई थी। मैं मुझे लगा कि मतलब पानी की आवाज़ है, बट वहाँ पानी था ही नहीं, ऐसे घुरानी की आवाज़ आई, क्योंकि सो रखा होगा ना, इस टाइम पे सोते हैं वो, शाम को रात को निकलते हैं तो सो रखे होंगे, उनको लगा कि कोई डिस्टर्ब करने आया है। सो गाइस व्यू चेक करो, कोई व्यू दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, मैंने यहीं पर एक बार अपनी स्टोरी बनाई थी, रील बनाई थी, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे पेज पे इंस्टाग्राम के। सो गाइस ये देखो, ये व्यू है, अभी वहीं जाना है हमें, बस नीचे ये पहुंच गए हम भी। प्रियंका ऊपर कुछ है उस पेड़ पे, आजा। गाइस पानी का बहाव इतना तेज है ना, वहाँ देखो लोग खड़े हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, वो देखो चुद्दू सारे लोग, एक बंदा दिखा दे रहा है मेरे को, वो खड़ा हुआ, वो देख रहे हो आप वो वाला चुद्दू सा। पोज देने के लिए सो गाइस ये है, आजा। हाँ देखो तो पसीना पसीना आ रखा है, तू बड़ा फ्रेश हो रहा है, देखो नहीं आ रहा पसीना। वे भी यहाँ तो शेर होगा पक्का, गारंटी होगा, क्योंकि ये भी जंगल है पूरा, पानी है, वो पानी पीने आता था वहीं पे, सही बोल रही है तू।
देख गुफा, देख गुफा ऐसी लग रही, देख ऊपर इस टाइम पता सोते हैं वो। ये बंदा था पिछली बार, ये भी तो बनी क्या, ये भी बन रहा था यहां। भाई लोग कितने गंदगी कर देते हैं भाई, देखियो ना, इस इलाके में जिंदगी में रह रहा हूँ। सुंदर तो है लेकिन बाहर निकलने के बाद खतरा भी है भाई, पूरा जंगल है देख रही है, और पूरे जंगल के बीच में रास्ता इतना खतरनाक, तो हमारा गांव का रास्ता भी नहीं है भाई। जंप